Hello students, welcome back to online classes. And we were discussing about chapter 3, not metal and non-metal. And metals की लगभग सारी chemical properties के बारे में हमने बात कर ली है. आज हम बात करेंगे non-metals के बारे में. तो जैसे जैसे हमने metals को step by step study किया, वैसे ही हमें non-metals को भी पढ़ना है. तो non-metals क्या होती हैं? देखिए, metals की जब हमने बात करी थी तो मैंने कहा था metals are electropositive. It means metals क्या करती है? Electrons remove करती है. क्या करती है metals? Electrons remove करती है. और जब कोई electron remove करता है तो उसपे कौन सा charge आ जाता है? Positive. Same ऐसे ही non-metals क्या करेंगी? Electrons को release कर ले लेती हैं. क्या कर लेती हैं? Electrons ले लेती. तो non-metals non-metals क्या करती हैं? Accept electrons को ले लेती है tag अपने outer most shell में और ये क्या कर लेती हैं? Negatively charged हो जाती हैं. That is why these are known as electronegative. क्या बोली जाती है ये? Electronegative बोली जाती है. जैसे कि हम बात करें chlorine की, ठीक है? तो chlorine क्या करता है? क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl- में चला जाएगा. तो क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl- में चला जाता है. तो ये क्या है? नॉन मेटल है. इसी तरीके से हम बात करें अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और O2- में चला जाता है. अब देखिए ऐसा क्यों होता है? क्लोरीन होता है 287, ठीक है? इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 288, ओके? और सेम ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन होता है 26. जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 28, यानी कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ओके? सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके? नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल की रिएक्शन. नॉन मेटल्स की रिएक्शन करवानी है हमें किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में. तो क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स बनेंगे. ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल के क्या बनेंगे? ऑक्साइड्स, ठीक है? जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं सल्फर. सल्फर की रिएक्शन O2 से करवाई, यानी ऑक्सीजन से करवाई, तो क्या बन जाएंगे? SO2 बन जाएगा. सेम ऐसे ही कार्बन की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन से करवाई तो क्या बन जाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड. तो इस तरीके से नॉन मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो उनके ऑक्साइड्स बनते हैं. अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको नॉन मेटल्स के जब पढ़े थे, हमने मेटल्स की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करवाई थी, तो मैंने वहां पर आपको एक चीज बताई थी कि नॉन जो मेटल्स होती हैं जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं. और मेटल के ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर होती है. क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, यानी बेस बनाते हैं. इसलिए मेटल के ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है? बेसिक. देखिए, ये मैंने एक मेटल का ऑक्साइड लिया है, जब मैं इसको वाटर में डिसोल्व करती हूँ, यानी वाटर में डालती हूँ, तो क्या होगा? बेस बनता है. दैट इज वाई वी कैन से दैट द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर ऑफ बेसिक इन नेचर. क्यों? क्योंकि ये बेस बनाते हैं पानी में, वाटर में डिसोल्व करने के बाद. तो यहां देखिएगा आप लोग, जब हम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं उनकी नेचर कैसी होती है? एसिडिक नेचर होती है. कैसी होती है उनकी नेचर? एसिडिक. तो देखिए, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ओके, यानी कि अगर मैं SO2 ले लूं और उसकी रिएक्शन मैंने वाटर से करवाई या इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करती हूं, तो देखिए क्या होगा? H2SO4 क्या बना? सल्फ्यूरिक एसिड. तो देखिए, नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड्स बनते हैं. समझ आया? तो इसको हम बोलेंगे क्या? एसिडिक बिहेवियर. यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एसिड बनाते हैं. और मेटल के ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है? बेसिक, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में बेस बनाते हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम नॉन मेटल के ऑक्साइड का. CO2 में जब H2O डालेंगे
तो देखिए क्या बनता है, H2CO3 इट मींस कार्बनिक एसिड, ठीक है। तो ये भी एक एसिड है और किससे बना है, नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं वो ये शो करती है नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की नेचर एसिडिक होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।